दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों हमने एक स्टोरी की थी, यानी वीडियो बनाया था, जिसमें हमने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी कि वो हरियाणा के कितने बड़े नेता हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें ओम प्रकाश चौटाला का कोई सानी नहीं है, यानी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 90 साल से ज्यादा की आयु में होते हुए भी राजनीति की एक और नई पारी खेलने जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया है कि पिछले कुछ समय से मैं बीमार चल रहा था और स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं थोड़ा राजनीति से कटा हुआ था, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया हूं और सक्रिय राजनीति करने जा रहा हूं। सक्रिय राजनीति का मतलब कि अब वो घर पर नहीं बैठेंगे, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी इनेलो के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे और सारे हरियाणा में घूम घूम कर जनसभाओं में इनेलो को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। यही नहीं, उन्होंने पूरे हरियाणा में फैले अपने समर्थकों और इनेलो कार्यकर्ताओं से भी प्रार्थना की है कि वो इस बार विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत लगा दें और मैं अब नए सिरे से राजनीति में कूद गया हूं, मैं आपके साथ रात दिन रहूंगा और इनेलो को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने और इनेलो का राज लाने, इनेलो की सरकार हरियाणा में बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। बल्कि उन्होंने यहाँ ये तक भी इशारा किया है, उनके करीबी भी इशारा कर रहे हैं कि वो ताऊ देवीलाल के कुनुए को भी इकट्ठा करने में इस बार पूरी ताकत लगाएंगे, जिससे कि हम नए सिरे से हरियाणा में अपने राजनीतिक हुनर और धाक को जमा सकें और सत्ता में लौट सकें। उन्होंने दावा किया है कि हम सत्ता में जरूर लौटेंगे और इस बार इनेलो की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर नए एपिसोड में, और हम जो भी वीडियो डालते हैं या स्टोरी डालते हैं उस पर अपने कमेंट्स भी बताते रहिए कि हम कितना सही है, आपको स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।